हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि परमानेंट जॉब रहने वाली है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नया विज्ञापन जारी हुआ है। 10th, 12th, एनी ग्रेजुएट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिससे भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेशर भी जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो तो फॉर्म डालें ही। सैलरी यहाँ पर 45,000 मिलने वाली है। पूरे भारत के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट कहाँ से जारी हुई है, बाकी सारी चीजें हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। वैकेंसी आई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को कैसे नोटिफिकेशन तक पहुंचना है, तो यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी नजर आ रहा है, इसी पर आप लोगों को क्लिक करना होगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर लिखा है जॉब एडवर्टीजमेंट, तो सबसे ऊपर ही सीरियल नंबर 170 है, ये ग्रुप सी की जॉब रहने वाली है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल। यहां पर जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 6 अक्टूबर 2023 से। तो ये देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल, 30 सितंबर 2023 को विज्ञप्ति जारी हुई है। नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, तो किस किस की पोस्ट है, तो आप पर जो है पदों के नाम है, सोशल वर्कर है, ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर की है, ड्राइवर की है, जूनियर वार्डन की है, इसके अलावा जो है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की है, यूडीसी की है, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की है, जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी की है, सिक्योरिटी कम फायर जमादार की है, स्टोर कीपर कम क्लर्क की है। अब ये जो है परमानेंट नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो पे स्केल भी काफी अच्छा यहाँ पर मिलेगा। 7th CPC के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पे स्केल मिलने वाला है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 233 जो है वैकेंसी है, और ये भी जो है आरक्षित जितने वर्ग हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इसमें भी जो है ये बटी हुई है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की कुल पोस्ट जो है वो 105 है। ठीक है, तो इस तरीके से ओबीसी की जो है कितनी है, 59 है। नेक्स्ट एससी की 33 है, एसटी की 15 है, और ईडब्ल्यूएस की 21 यहां पर वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने बात बताई आपको सोशल वर्कर की। सोशल वर्कर के लिए जो है यहाँ पर 12th मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से आपने किया है, और 8 साल का सोशल वर्क में एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल कही गई है। उसके बाद ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग में यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 10th पास जो है या फिर ITI या इसके समकक्ष आपके पास योग्यता है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। 30 साल उम्र यहाँ पर रहने वाली है। LDC के लिए कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 12th पास होने चाहिए आप। स्किल टेस्ट, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी गई है। टाइम जो है वो 10 मिनट का दिया जाएगा। एज यहाँ पर 18 से 30 साल है। एज रिलैक्सेशन जो है वह भी मिल रहा है। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है तो यहाँ पर 12th मांगा गया है, स्किल टेस्ट, नॉर्म। नेक्स्ट 18 से 27 साल उम्र है। ड्राइवर की जो वैकेंसी है तो केवल 10th पास और लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, और जो हल्के मोटर व्हीकल होते हैं उनका, बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, 18 से 27 साल उम्र। जूनियर वार्डन हाउसकीपर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी किया है आपने, और 2 साल का जो है जूनियर वार्डन या इसके इक्विवेलेंट अगर किसी भी कॉलेज में अगर आप लोगों ने इस पद पर काम किया है, 2 सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। 30 से 45 साल जो है इसकी उम्र रखी गई है। उसके बाद जो पोस्ट है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, तो यहाँ पर 12th मांगा गया है, बस इतना ही मांगा गया है, और 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 30 साल उम्र रहेगी। अपर डिवीजन क्लर्क में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, केवल डिग्री यहाँ पर चाहिए।
और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और स्किल टेस्ट यहाँ पर रहेगा। एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है, तो 12th मांगा गया है या इसके समकक्ष कोई योग्यता, और यहाँ पर जो है आपके पास डाटा एंट्री का जो वर्क करने की जो है स्पीड मांगी गई है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27। जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी में, हिंदी में मांगा गया है, तो 12th यहाँ पर आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स जो होते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी गई है 64 वर्ड पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट एज लिमिट यहाँ पर 21 से 30। उसके बाद जो है यहाँ पर फायर जमादार की सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए, अब सिक्योरिटी की जो पोस्ट है तो यहाँ पर 12th कंप्लीट होनी चाहिए और इसके साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगा गया है। 18 से 27 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है। स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से और 30 साल, यानी बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर आरक्षित तो जो वर्ग हैं एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर विडो या डिवोर्स्ड वुमेन जो है इनको इनकी जो उम्र है वो 35 साल रखी गई है, ठीक है। इसी में जो है एससी एसटी कैटेगरी की अगर कोई महिला है तो उम्र 40 साल। यहाँ पर जो है फीस लग रही है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है, फीस जो है 1200 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो है इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 600 रुपए लग रही है। सारी बातें जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर जो है एक सीबीटी मोड जो है वो आप लोगों का एग्जाम होगा और इसका जो है कंप्लीट सिलेबस भी जो है दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो 100 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट मिलेंगे और यहाँ पर सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज अवेयरेंस इंग्लिश होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद जो है आपके यहाँ पर जीके रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर की जो है यहाँ पर नॉलेज, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क्स जो है वो गलत आंसर पर आप लोगों के कटेंगे। अब नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट दिखा दिया है, तो उसके बाद जो है अप्लाई कैसे करना है, तो जब मेन वेबसाइट पर आप आते हैं और यहाँ पर वैकेंसी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो पेज ओपन होता है एडवर्टीजमेंट देखने के लिए, डिटेल एडवर्टीजमेंट, इसे आप डाउनलोड करके पहले इसे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ जो अप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर आपका आ जाएगा। अभी जो स्टार्ट नहीं हुए हैं 6 अक्टूबर यानी कि 3 दिन के बाद से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी यदि आपको सही लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके और जल्द से जल्द जो है स्टूडेंट्स की जॉब लगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।